हेलो दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल टेस्ट एनजी ऑन योर मशीन इक्लिप्स और सिलेनियम। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने सिस्टम के अंदर टेस्ट एनजी को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं इक्लिप्स में या सिलेनियम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्लिप्स को ओपन करेंगे। इक्लिप्स ओपन करने के बाद हम जाएंगे हेल्प में। यहाँ पर हेल्प पे क्लिक करेंगे और सबसे नीचे इधर एक ऑप्शन है जहाँ पर लिखा हुआ है इक्लिप्स मार्केट प्लेस। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, हमारे पास एक इस तरह की विंडो ओपन हो जाती है। हम यहाँ फाइंड में जाएंगे और यहाँ फाइंड में लिखेंगे टेस्ट एनजी और उसके बाद हम गो पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर टेस्ट एनजी फॉर इक्लिप्स आ गया है। यहाँ पर एक इंस्टॉल बटन है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जो टेस्ट एनजी की जो इंस्टॉलेशन है इक्लिप्स के ऊपर, वो स्टार्ट हो गई है। ये थोड़ा सा टाइम लेगी। अब उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कीजिए। अब इस तरह की विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, लाइसेंस को एक्सेप्ट करना है और फिनिश पे क्लिक करना है। जैसे उसपे फिनिश करते हैं, आपकी जो इंस्टॉलेशन है वो प्रॉपर ढंग से स्टार्ट हो जाती है। और आप उसको यहाँ पर इधर यहाँ देख सकते हैं, इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर 6%, या यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज वो दिखाता है कि आपका सॉफ्टवेयर कितना इंस्टॉल हो चुका है। तो इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा, इट विल टेक सम टाइम। और ये देखिए, अब उसके बाद यहाँ पर एक वार्निंग आती है, तो आप क्लिक करेंगे इंस्टॉल एनीवे पर। ये जो वार्निंग आई है, ये केवल मैक सिस्टम में ही आई है, क्योंकि मैक सिस्टम में फिलहाल यूज कर रहा हूँ। यदि आप विंडो यूज करते हैं तो इस तरह की वार्निंग वहां पर नहीं आती है। अगर आती भी है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें। इंस्टॉल एनीवे पे क्लिक करें। अब ये आपसे रिस्टार्ट के लिए बोलेगा। रिस्टार्ट इक्लिप्स को आपको रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक करें। अब आपका जो इक्लिप्स है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही इक्लिप्स रिस्टार्ट होता है, मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट एनजी की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। इंस्टॉल तो आप कर चुके, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आपको टेस्ट एनजी अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कैसे करना है वो आपको बताऊंगा। तो टेस्ट एनजी की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, अपने प्रोजेक्ट पर जाएं, राइट क्लिक करें, उसके बाद जाएं बिल्ड पाथ। बिल्ड पाथ सेलेक्ट करने के बाद जाएं कॉन्फिगर बिल्ड पाथ और उस पर क्लिक करें। उसके बाद इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी के अंदर आप जहाँ जाके जो ऐड लाइब्रेरी है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और टेस्ट एनजी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, तो आपको टेस्ट एनजी की रिक्वायरमेंट है, तो आप टेस्ट एनजी को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर टेस्ट एनजी केवल तभी आएगा जब आपने पहले टेस्ट एनजी को इंस्टॉल कर रखा होगा। अगर यहाँ पर आपका टेस्ट एनजी नहीं आया है, इसका मतलब यह है कि आपकी टेस्ट एनजी की जो इंस्टॉलेशन है वो ढंग से नहीं हुई है। तो उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिनिश। अब देखिए, जैसे आपने फिनिश पे क्लिक किया, यहाँ पर लाइब्रेरीज के अंदर टेस्ट एनजी आ गया है। अब आपको क्या करना है, अप्लाई एंड क्लोज। जैसे ही आप अप्लाई एंड क्लोज करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं, तो यहाँ देखिए टेस्ट एनजी जो है आपके यहाँ पर ऐड हो गया है प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये कॉन्फ़िगरेशन थी। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ जो बेल का जो आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ये क्योंकि यदि आप उस बेल को प्रेस करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा, उसकी नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यदि इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई इश्यू है, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिख सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सकेगा आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।